Hello guys, welcome to ChemSpark, a simple place for all level of chemistry. Today's topic is RH term symbol. RH term symbol is also called as ground term symbol. In NET exam में 4 mark का questions आते हैं, part C में और part B में भी आता है 2-2 mark के लिए questions. RH term symbol मतलब होता क्या है, जो lowest energy होता है उसको हम लोग RH term symbol बोलते हैं और ground term symbol भी बोलते हैं. ठीक है, अभी R for the Russell and S for the Saunders, these are the two scientists जिन्होंने ये term symbol निकाला. actually होता क्या है, the forms are dictatable groups of microstate हम लोग निकालने के लिए इसका use होता है. तो microstate हमेशा single atom का निकलता है, तो the degenerate microstate form single atom. इसका जो formula है that is 2s plus 1 L into J. ठीक है, where 2s plus is called as spin multiplicity, L is called as resultant momentum quantum number, J is called as resultant orbital angular moment or coupling constant. The best word is a coupling constant. ठीक है, 2s plus 1 is called as spin multiplicity, where S is called as total spin. ओके, total spin आपको पता है, up रहेगा electron, जब up रहेगा तो plus half होता है. ओके, और electron down रहेगा तो minus half होता है. तो the orbital of L, L का value आपको पता है, that is result of quantum number का S P D F G H I, that is S का 0, P का 1, D का 2, F का 3, G का 4, H का 5 and this is I का 6. ठीक है, अभी L value जब आप निकालना है, L value हमेशा दो होते हैं. ठीक है, either L plus S नहीं तो L minus S. ठीक है, L plus S otherwise L minus S. अभी L plus S और L minus S कब यूज़ करने है, जब आपका orbital half filled और less than half filled रहेगा then use L minus S. suppose example आपका P orbital है. ठीक है, अभी P orbital है, P orbital में 3 box होते हैं. ठीक है, that is subshells, तो 1, 2, 3, this is half filled and completely half filled. बरा, so जब A use होगा तब L minus S formula होगा, एक भी electron आगे गया 3 box के. ओके, तो हमेशा L plus यूज करेगा, L plus S. so if orbital is more than and more than half filled then use J is equal to L plus S. okay, now L plus S. now आपको पता है S orbital का box हमेशा 1, उसका value L is equal to, this is L value 0. okay, P का 1 0 1. ठीक है, D का 1, 5 box, that is 0, minus 1, minus 2, 1 and 2, and F का, that is 0, minus 1, minus 2, minus 3, and 1, 2, 3, ठीक है, अभी coupling constant range पूछते हैं कभी कभी, तो suppose आपका term symbol में एक value, J का value, L minus S करने के बाद आपको 3 आ गया, ठीक है, तो एक बार आप उसको L plus S भी करो, so उसमें suppose 6 आ गया, तो 3 से लेके 6 तक जितने भी नंबर्स रहेंगे, दैट इज 3, 4, 5, 6, तो उसका वो पॉसिबल J वैल्यू होगा. ठीक है, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू, J इज इक्वल टू L प्लस S एंड L माइनस S. नाउ अभी हम लोग टर्म सिंबल ऑफ S ऑर्बिटल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अभी सपोज आपके S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो L इज इक्वल टू 0, और L इज इक्वल टू 0, तो मैंने L इज इक्वल टू 0 लिया, स्पिन वैल्यू कितना है, अप रहेगा तो हाफ, डाउन रहेगा तो माइनस हाफ. ठीक है, तो S इज इक्वल टू हाफ, तो मैंने पहला 2s प्लस 1 निकाला, तो 2s प्लस S का वैल्यू मैंने इसमें पुट किया, 2 इंटू हाफ प्लस 1, दैट इज 2 आ गया. L वैल्यू कितना है, दैट इज 0 ही है, S का वैल्यू, L वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, सो L इज इक्वल टू 0, सब 0 रहेगा, तो 0 रहेगा, तो आपका टर्म सिंबल क्या है, L टर्म सिंबल क्या है, 0 के लिए दैट इज S. ठीक है, 0 के लिए क्या है, S है, तो मैंने उसका S ले लिया. ठीक है, तो S लिया. ठीक है, अभी मुझे J वैल्यू निकालना है, सो J वैल्यू क्या आएगा, दैट इज हाफ फील्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आएगा मेरा, L माइनस S, तो L माइनस यूज किया, L वैल्यू कितना है मेरा, 0 है, S वैल्यू कितना है, हाफ, तो 0 माइनस हाफ माइनस हाफ, बट L प्लस S एंड L माइनस हमेशा मॉड में होता है, और मॉड में हम लोग नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करते. ठीक है, सो द टर्म सिंबल ऑफ S, जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में रहेगा तो इसका कितने
2s, तो 2s प्लस 1 ये वैल्यू मैंने इधर पुट किया, l का वैल्यू, l का जो सिंबल है वो इधर मैंने पुट किया, एंड j का वैल्यू, j इज इक्वल टू l माइनस s, तो 2s हाफ, दिस इज माय टर्म सिंबल, ठीक है। नाउ अभी पी सिस्टम के लिए निकलते, ठीक है। पी सिस्टम के लिए क्या आएगा, तो पहला हम लोग पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने पी ऑर्बिटल के तीन बॉक्स, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन पुट किया। जो भी इलेक्ट्रॉन पुट करना है आपको हंट्स रूल से ही फिलअप करना है, कौन सा भी किधर भी नहीं पुट करना है, इधर इधर हमेशा पहला सिंगली देन डबली। सो एक इलेक्ट्रॉन इधर पुट किया, एल वैल्यू कितना है, दैट इज ओके, इस जिधर इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना उधर का नीचे वाला देखने का एल वैल्यू। सो एल इज इक्वल टू वन, वन के लिए क्या है मेरा, ओके आपको पता है वन के लिए क्या है, एस पी डी एफ, ओके 0 1 2 3। सो वन के लिए मेरा आ गया पी, ठीक है। एस वैल्यू कितना है, एक अब इलेक्ट्रॉन है, दैट इज हाफ। सो मैंने 2s प्लस 1 वैल्यू निकाला, दैट इज 2, एस वैल्यू इधर पुट किया, 2 × 1 दैट इज 2, ठीक है, पी मिल गया। अभी मुझे जे वैल्यू निकालना है, अभी जे वैल्यू क्या है उसका, रखे हाफ फील्ड है बरा, हाफ फील्ड है तो एल माइनस है, एल वैल्यू कितना है जरा 1, एंड एस कितना माइनस 1, ओके मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय करने के बाद कितना गया मेरा, दैट इज 1। सो मैंने पुट किया 2s प्लस 1 दैट इज 2 वैल्यू, एल का वैल्यू, एल का सिंबल दैट इज पी, एंड जे का वैल्यू दैट इज 2p हाफ, ठीक है। नाउ पी टू के लिए क्या आएगा, पी टू के लिए तो दो इलेक्ट्रॉन पुट किया तीन बॉक्स लगे, 1 2, ओके पहला मैं एल वैल्यू निकालेगा, एल वैल्यू कितना है 1 प्लस 0 दैट इज 1, अगेन 1 के लिए कितना है मेरा पी। अभी एस कितना है, हाफ प्लस हाफ, दोनों भी अप है, सो हाफ प्लस हाफ दैट इज 2/2 दैट इज 1, ठीक है। 2s प्लस 1 वैल्यू मैंने पुट किया, एस कितना आ गया मेरा 1, सो 2 × 1 + 1 3 आ गया। जे क्या यूज करोगे आप, एल माइनस एल, क्यों हाफ फील्ड है इसलिए, सो एल माइनस एस, 1 - 1 0, सो दिस इज 2s प्लस 1, दिस इज एल एंड दिस इज जे, सो 3p0, जनरली 0 लिखते नहीं बट हम लोगों ने इधर लिख दिया, ठीक है। नाउ पी थ्री 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पुट किया, एल वैल्यू कितना है 1 + 0 - 1, सो 1 - - गेट कैंसिल 0, तो 0 के लिए क्या है, दैट इज एस आ गया। एस वैल्यू कितना आएगा, दैट इज हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट इज 3/2, तो 2s प्लस 1 कितना आएगा, 2s प्लस 1 पुट किया मैंने एस वैल्यू, सो 2 × 3/2 + 1, 2 गेट कैंसिल दैट इज 4। सो जे वैल्यू अभी कितना आएगा, दैट इज l - ac, हाफ फील्ड है, कम्प्लीटली हाफ फील्ड है, सो l माइनस एस, एल का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, -3/2, सो 3/2 - 3/2, सो मॉड में ये वैल्यू हमेशा होता है तो माइनस एन नहीं कंसिडर करने का, सो 4s 3/2, ठीक है। अभी इधर देखो p4, सो 1 2 3 4, ओके अभी मैं एल वैल्यू, बहुत बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक है ना, ऐसे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 + 1, तो एल इज इक्वल टू 1 + 1 + 0 - 1, ठीक है, समझा क्यों आ गया। अभी सपोज मेरा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ओनली दिस वन, तो उसके लिए प्लस वन, मैंने और एक पुट किया ना, तो 1 + 1, तो कितना है एल वैल्यू मेरा, एल वैल्यू 1, 1 के लिए मेरा सिंबल क्या है, दैट इज पी। एस कितना आएगा, देख एस, एस का वैल्यू मुझे निकालना है, अप रहेगा तो कितना होता है हाफ, डाउन रहेगा तो क्या होता है माइनस हाफ, तो 1 - ½ + ½ + ½, तो -½ - ½ गेट कैंसल, +½ + ½ दैट इज 2 2/2 दैट इज 1, तो एस इज इक्वल टू 1, ओके तो 2s + 1 कितना आ गया, सॉरी 2 × 1 + 1 दैट इज 3, दैट इज 3p। अभी मुझे जे वैल्यू निकालना है, अभी देखो जे वैल्यू का हमेशा हाफ फील्ड रहेगा, कम्प्लीटली हाफ फील्ड और इनकम्प्लीट रहेगा तो कितना होता है एल माइनस एस होता है, और मोर देन हाफ फील्ड रहेगा तो, और कम्प्लीटली फील्ड रहेगा तो क्या होता है एल प्लस एस। अभी देखो इधर क्या आ गया, मोर देन हाफ फील्ड हो गया ना, 1 2 3 क्रॉस के इसको, तो जे वैल्यू क्या आएगा, दैट इज एल प्लस एस, तो एल प्लस एल का वैल्यू कितना है मेरा 1, एस का वैल्यू कितना है 1, तो एल 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज 3/2, ठीक है। नाउ पी फाइव के लिए क्या आएगा, सो 1 2 3 4 5, ओके सो अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1, दूसरा के लिए 1, दिस इज 0 + 0 दैट इज -1, कैलकुलेशन करने के बाद एल इज इक्वल टू 1, सो 1 - 1 कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू 1, तो एल का वैल्यू कितना है मेरा, एल का वैल्यू 1 आ गया, सो 1 के लिए क्या है मेरा पी, ठीक है। अभी एस वैल्यू निकाल लिया, हाफ -½ + ½ - ½ एंड प्लस
प्लस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, तो प्लस हाफ आ गया। सो 2s प्लस वन कितना आ गया, दैट इज s 2 आ गया। ठीक है, अभी जे अगेन मोर देन हाफ फील्ड है, सो l प्लस s, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, दैट इज 2p 3/2। ठीक है, नाउ p6 के लिए, तो p6 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 प्लस 1, 0 प्लस 0, -1 -1, तो 1 -1 में कैंसिल, एस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 0। तो 0 के लिए क्या है मेरा एस, एस का क्या आएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो 0 आ गया। तो 2s प्लस 1, 2 × 0 + 1, अगेन जे वैल्यू इज अ कम्प्लीटली कम्प्लीटली फील्ड, दैट इज एल प्लस एस, तो क्या आएगा 0 + 0, अगेन 0, तो 1s 0। सो दिस इज अ टर्म सिंबल फॉर द पी ऑर्बिटल। ओके, नाउ टर्म सिंबल फॉर डी ऑर्बिटल, जो भी हम लोग ने अभी पी ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में जो भी किया है वही सेम रूल इधर अप्लीकेबल है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल के कितने बॉक्स होते, 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पुट किया एल, एल के वैल्यू नीचे क्या, इलेक्ट्रॉन जिधर फिल किया उसके नीचे एल वैल्यू कितना है, दैट इज 2, सो एल इज इक्वल टू 2। 2 के लिए मेरा सिंबल है दैट इज डी, एस इज इक्वल टू हाफ, अभी एल प्लस एस के एल माइनस एस, दैट इज एल माइनस एस, एल का वैल्यू 2 माइनस हाफ दैट इज 3/2। ठीक है, एल प्लस एस कब यूज़ करोगे इधर, दैट इज 1 2 3 4 5, अभी ये मोर देन हाफ फील्ड हो गया ना, तो इधर जब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा 7 8 9 10, तो आप एल प्लस एस यूज़ करोगे। ठीक है, वैसे ही मेरा डी टू का कॉन्फ़िगरेशन है 1 2, सो 2 + 1 3, तो एफ आ गया, एस का वैल्यू कितना है, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, पुट किया मैंने फॉर्मूले में 2 × ½ + 1, 2 × 1 + 1 दैट इज 3, एल माइनस एस 3 - 1 दैट इज 2, दैट इज 3f2। ठीक है, दैट इज 3f2। नाउ d2 के लिए हो गया, अभी d3 के लिए, सो d3 के लिए अगेन 1 2 3, सो 2 + 1 + 0, 2 + 1 + 0 अगेन 3, एफ आ गया, एस वैल्यू हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दैट इज 3/2, 2s प्लस फार्मूला में यूज़ किया तो मेरा 4 आ गया, l माइनस एस फार्मूला में यूज़ किया, l का वैल्यू 3, s का वैल्यू -3/2, सो 3/2 आ गया, तो 4f 3/2। वैसे ही d4 का, सो d4 का 1 2 3 4, तो 2 + 1 + 0 -1, तो -1 + 1 गेट कैंसल, तो 2 आ गया, 2 के लिए मेरा सिंबल है दैट इज d, तो s की इज़ इक्वल टू हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दैट इज 4/2, तो 4/2 / 2 दैट इज 2। ठीक है, जे वैल्यू आ गया l माइनस एस अगेन 2 - 2, सो 2s + 1 वैल्यू पुट किया दैट इज 5, सो 5d0। ऐसे d5, अभी d5 के लिए क्या आएगा, अगेन 2 + 1 + 0 दैट इज -2, +2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो l इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 के लिए सिंबल इज s, सो 2s + 1, एस वैल्यू कितना है मेरा 5/2, 1 2 3 4 5, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दैट इज 5/2, तो पुट किया दैट इज 6, तो एल माइनस एस माइनस माइनस 5/2, तो मॉड में होता है हमेशा जे वैल्यू, तो 6s 5/2 इसका टर्म सिंबल है। नाउ अभी डी सिक्स के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, अभी एल जे वैल्यू क्या यूज करेंगे, एल प्लस एस। ठीक है, अभी देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है ना, सो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, सो 2 + 2, ठीक है 4 हो गया, +1 + 0 -1 - 2, तो -1 + 1 गेट कैंसल, 2 - -2, 2 + and -2 गेट कैंसल, तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2, सो 2 के लिए सिंबल क्या है डी। अभी एस वैल्यू कितना है, हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, तो 5d4। ठीक है, अभी l प्लस एस क्या आएगा, अभी l प्लस एस एस कितना है मेरा 2 आ गया, सो 2 + 2 = 4, तो 5d4 इज माई आंसर फॉर द टर्म सिंबल ऑफ d6। वैसे d7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2, 4 + 2 = 6, 0 - -3, ओके, तो 6 - 3 दैट इज 3, तो एल 3 के लिए मेरा टर्म सिंबल क्या है मेरा एफ। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू कितना है, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, हाफ 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 दैट इज 3/2, सो पुट किया 2s 3/2 दैट इज 1, तो 4, तो एल प्लस वाज 3 + 3 इज अ 9/2, सो 4f 9/2। ओके, वैसे मेरा d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2, 0 + 0 = 0, -1 - 2, अगेन एल वैल्यू 3 आ गया, एस वैल्यू कितना आएगा, 0 0 0, प्लस हाफ दैट इज 2/2 दैट इज 1, ओके, सो फॉर्मूले में पुट किया, सो 3f 4 आएगा। ठीक है, नाउ d9, ये 5/2 आएगा, क्लियर, ओके, ये 5/2।
डी नाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, तो 4 प्लस 2 6, 0, -1 -1 -1 -2, तो 6 माइनस 2 4, अगेन 4 माइनस 2 2, सो एल इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 2, ठीक है, सो डी एस इज क्या 0 0 0 0 हाफ, तो पुट करने के बाद 2, एल प्लस एस 2 प्लस हाफ, दैट इज 5 बाई 2, तो 2 इज इक्वल 2D 5 बाई 2, वैसे मेरा डी टेन का, ठीक है, डी टेन का टर्म सिंबल है दैट इज 1S0, सेम रूल एप्लीकेबल फॉर द एफ ऑर्बिटल, ठीक है, सेम रूल एप्लीकेबल फॉर द एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के 7 बॉक्स होते हैं, ओके, 1, एल इज इक्वल टू 3, 3 के लिए मेरा एफ, एस इज इक्वल टू हाफ, पुट करने के बाद एल माइनस, अभी इधर एल प्लस एस कब यूज करोगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन मोर देन 7 रहेंगे तभी, ठीक है, पर ज़्यादा एफ ऑर्बिटल का आता नहीं है, एक बार आया था नेट में जून 13 में, 4 मार्क का क्वेश्चन आए थे, और लैंथेनाइट एफ ऑर्बिटल ऑलवेज लैंथेनाइट होते हैं, लैंथेनाइट का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगे ऑलवेज टेक इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि लैंथेनाइट स्टेबल इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो जो भी टर्म सिंबल निकल के आपको आएगा, सपोज लैंथेनाइट के क्वेश्चन, लैंथेनाइट के मॉलिक्यूल्स में लैंथेनाइट्स के क्वेश्चन आए टर्म सिंबल के लिए, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा क्या करना है, +3 का ही लेने का है, ठीक है, वैसे ही मेरा एफ ऑर्बिटल में 2, तो उसका टर्म सिंबल 3H4, ठीक है, 3H4, F3 के लिए टर्म सिंबल 4I9/2, 4I9/2, F4 के लिए 5I4, 5I4, F5 के लिए 6H5/2, 6H5/2, F6 के लिए 7F0, ठीक है, सेम रूल अप्लाई करना है आपको, एंड F7 के लिए अगेन 8S7/2, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नेट वाले 7 तक ही जाते हैं फॉर द लेंथ नेट, ठीक है, नाउ अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ग्राउंड टर्म सिंबल है, आपने कैसे डिटरमाइन किया कि, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन इधर भी मैं पुट कर सकता हूँ, इधर भी पुट कर सकता हूँ, इधर ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, सपोज पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भी पुट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन में ऐसे भी पुट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन में ऐसे भी पुट कर सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, और इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी टर्म सिंबल भी पूछते हैं कभी कभी, बट ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है ना, तो उसमें से कौन सा ग्राउंड टर्म सिंबल है मेरा वो आपको आइडेंटिफाई करना आता है, सो इधर देखो, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज दैट विच हैज़ अ हाइएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो पहला रूल हमेशा कभी भी ध्यान में रखने का, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब 2s+1 जो ज़्यादा होगा वो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल होगा, ठीक है, अभी सपोज मेरा 3p है, 3s है और 3p भी आ गया, ठीक है, सॉरी 3p नहीं 1p आ गया, तो मेरा कौन सा टर्म सिंबल है, सो जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा वो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल रहेगा, ठीक है, नाउ द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दिस गिव राइज टू द मिनिमम रिपल्शन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी, अभी देखो एग्जांपल देखो P2, जब मैंने P2 के टर्म सिंबल निकाले, सो देखो P2 अभी ये 1, ये तो नॉर्मल मेरा फीलिंग हो गया, 0 -1 1, तो S इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 दैट इज 2 आ गया, L वैल्यू के लिए 1 + 1 दैट P आ गया, ओके, सो 2 आ गया दिस वन, और 2s+1 कितना आ गया 1/2 + 1/2 दैट इज 2, तो 1/2 + 1/2 2/2 दैट इज 1, तो 2 × 1 + 1 दैट इज 3, सो 3p0 भी है उसका टर्म सिंबल, और सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर पुट किया तो ए भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है और ए भी इलेक्ट्रॉनिक ए भी टर्म सिंबल, बट इनमें से कौन सा मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल है, सो पहला रूल क्या है मेरा, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा वो मेरा टर्म सिंबल रहेगा, ठीक है, नाउ सपोज मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है तो क्या करोगे, इफ द टू स्टेट्स हैव द सेम मल्टीप्लिसिटी, सपोज मेरा D2 के, सो D2 के ऐसे बहुत सारे टर्म सिंबल है पॉसिबल टर्म सिंबल, एक तो मेरा नॉर्मल फिलिंग करने के बाद A आएगा 3F, देन 3P भी आएगा, 1S भी आएगा, 1D भी आएगा एंड 1G भी आएगा, बट अमॉन्ग द फॉलोइंग कौन सा मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल है, पहला रूल तो एप्लीकेबल क्या है, जो सबसे ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगा तो वो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल रहेगा, ठीक है, अभी इन दोनों में दे दो, इन दोनों में तो नो डाउट ये तो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल आएगी नहीं, क्योंकि इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है मेरा कम है, अभी इन दोनों का स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो कौन सा मेरा टर्म सिंबल है, तो क्या करने का, एल वैल्यू पे जाने का, ओके, 3F हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल, ओके, एल वैल्यू, अभी एल वैल्यू क्या है मेरा, अभी 3P है एंड 3F आ गया ना, F के लिए कितना आता है मेरा SPDF, ओके, 0 1 2 3 L वैल्यू, ठीक है, अभी P के लिए मेरा L वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और F के लिए L वैल्यू कितना है मेरा 3 है, सो जिसका L वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल रहेगा,
समझा। पहला रूल क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सबसे ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगा तो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल रहेगा, सपोज स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहा तो एल वैल्यू जाने का, तो एल वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा वो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल रहेगा। अभी सपोज स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम रहेगा और एल वैल्यू भी सेम रहेगा तो क्या करोगे, इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटीज आर सेम एंड द वैल्यू ऑफ एल ऑल्सो सेम देन द स्टेट ऑफ हैविंग द लोएस्ट जे वैल्यू विल बी लोएस्ट एनर्जी। सो जिसका जे वैल्यू कम है वो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल रहेगा, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सेकेंड रूल एल वैल्यू, एंड थर्ड रूल स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड एल वैल्यू भी सेम रहेगा तो क्या करने का, जे वैल्यू देख रहेगा, ठीक है। इफ द सबशेल इज लेस देन द हाफ फिल्ड द स्टेट हैविंग द हाइस्ट वैल्यू ऑफ जे विल बी लोएस्ट एनर्जी इफ द सबशेल इज मोर देन द हाफ फिल्ड, ठीक है वही रूल है। अभी डी वन सिस्टम रहेगा एंड डी नाइन सिस्टम रहेगा तो उसका टर्म सिंबल सेम आता है 2D, खाली जे वैल्यू डिफरेंट रहेगा, ओके जे वैल्यू डिफरेंट रहेगा। जनरली एग्जाम में जे वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोलते, बट सपोज पूछा तो निकाल दो आप। सो डी वन का टर्म सिंबल भी सेम रहेगा 2D एंड डी नाइन का भी सेम रहेगा 2D। डी टू डी एट का 3F, डी थ्री डी सेवन का 4F, डी फोर डी सिक्स का 5D, डी फाइव का 6S एंड डी टेन का 1S, ठीक है। और ये सब पॉसिबल टर्म सिंबल है, ओके ये सब क्या है मेरा पॉसिबल सिंबल। अभी देखो सबका मल्टीप्लिसिटी क्या है मेरा ज़्यादा आ गया ना, तो ये मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल है, ठीक है ये पॉसिबल टर्म सिंबल है, बट सबसे ज़्यादा मेरा मल्टीप्लिसिटी इधर ज़्यादा आ गया इसलिए मेरा ये टर्म सिंबल है, ठीक है। अब इसको ध्यान में कैसे रखने का, डायरेक्ट देखो फर्स्ट एंड लास्ट है ना, D1 वन टू पहला सिस्टम निकाल के रखो, ओके D1 वन टू D9, नाइन डी टू टू डी एट, डी एट डी थ्री टू डी सेवन, डी फोर टू डी सिक्स, ठीक है डी फाइव एंड डी टेन, ठीक है। अभी देखो डी एफ एफ डी एस एस, ठीक है डी एफ एफ डी, ए बी सी डी में D पहला आता है ना, देन उसके बाद F, डी एफ एफ डी देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज वन, ठीक है टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन। आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्स देखे, कॉम्प्लेक्स का टर्म सिंबल निकालने के लिए पूछते हैं, ठीक है। अभी देखो टर्म सिंबल हाफ फील्ड का ही निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो दोनों भी हाफ फील्ड है इधर, तो एग्जाम में बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, इसका भी टर्म सिंबल देते हैं और इसका भी टर्म सिंबल देते हैं, तो क्या करने का, दोनों भी ऑर्बिटल, इफ टू ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड देन प्रेजेंट हाफ फील्ड देन एडिशन टेक्स प्लेस, तो दोनों का टर्म सिंबल निकालने के लिए एडिशंस करना पड़ेगा। अभी देखो D5, आपको ए भी ऑप्शन रहेगा S का, S1 का, तो S1 का जो भी टर्म सिंबल रहेगा वो भी ऑप्शंस रहेगा और D5 का भी रहेगा, बट दोनों भी हाफ फील्ड रहेगा ना, तो उसका एडिशंस करने का। अभी D5 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, पाँच, वन टू थ्री फोर फाइव, S का S, S का एक बॉक्स तो वन, तो मैंने L वैल्यू इसका निकाला, कितना आ गया इसका टू प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन। अभी इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है इसको भी, जब कब, जब मेरे हाफ फील्ड रहेंगे तब, सो एल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, एस वैल्यू कितने, फाइव बाई टू प्लस वन बाई टू दैट इज सिक्स बाई टू दैट इज थ्री, तो टू एस प्लस वन टू इंटू थ्री प्लस वन दैट इज सेवन आ गया, तो सेवन एस थ्री, ठीक है सेवन एस थ्री, सो दिस इज माई टर्म सिंबल, ठीक है। और लैंथेनाइट के लिए एक भी ऐसा है कि जब आपका लैंथेनाइट स्टेप एफ ऑर्बिटल हाफ फील्ड कब रहेगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जब मोर देन हाफ फील्ड रहेगा तब, ठीक है। अभी देखो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा ना, फोर एफ सिक्स फाइव फाइव डी वन सिक्स एच टू, तो क्या करने का, डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देने का, दैट इज फोर एफ सेवन, ठीक है। दिस इज ऑनली फॉर द हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड, सपोज इफ द फोर एफ थर्टीन एंड फाइव डी वन रहेगा तो क्या करोगे, फोर एफ फोर्टीन एंड फाइव डी जीरो, ओके बाकी रेस्ट ऑफ द सेम, खाली दिस वन इज अ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड, तो इसका टर्म सिंबल एट एस सेवन बाय टू, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है थैंक यू।